गराई थाना अध्यक्ष को दिनांक 28/8/24 की रात में सूचना मिली कि ओम प्रकाश कापर जो शराब के केस में वांटेड है और पूर्व में भी हत्या के केस में ये जेल जा चुके हैं, वैसी सूचना मिली कि ये घूम रहे हैं गांव में और इनकी गतिविधि संदिग्ध है। इस सूचना के सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष अपनी टीम को लेकर के जब वहां पहुंचे तो पुलिस को देख करके ओम प्रकाश कापर उर्फ डुलिया भागने का कोशिश किया, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसके पास से पिस्तौल गोली बरामद हुआ जिसको विधिवत जब्त किया गया। इसी क्रम में जब इससे पूछताछ की जा रही थी तो ये पहले चिंटू झा जो शराब के कारोबारी भी रहे हैं और अभी वर्तमान में जेल में हैं, उस दौरान में ऐसी सूचना भी मिलती थी कि इन दोनों के द्वारा अवैध शस्त्र का प्रयोग कर करके और शराब का उतरवाने का काम करते थे और आपराधिक घटनाओं में भी पहले सम्मिलित रहे। तो वहाँ पर जब उसके बताए अनुसार छापामारी की गई तो वहाँ भी एक कार्बाइन मिली। जब ये कार्बाइन चिंटू, जब इन्होंने बताया कि ये कार्बाइन चिंटू झा का है और वहाँ पर उनके बथान पर रखा जाता था, वहाँ फुलथ्रू और सफाई करने वाला भी सामान मिला। इस क्रम में जब ये पिस्तौल गोली के बारे में पता किया गया तो मालूम चला कि ये पिस्तौल और गोली और कार्बाइन डब्लू झा जो वो भी जेल में है उसी के गैंग का है और वो लोग हथियार का कारोबार करते थे, उसी समय से इन लोगों को दिया गया था, इसके पास से था और इसके माध्यम से जो है अपराध करता था। पूछताछ के क्रम में इनके पास जो पिस्टल बरामद हुआ है उस पिस्टल को विधवा जब्त किया गया है और विभूतिपुर में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें साक्ष्य संकलन के क्रम में इस पिस्तौल का विधिवत जांच कराया जाएगा कि वहाँ जो गोली चली थी क्या इस पिस्टल से चलाई गई थी, क्योंकि चिंटू झा डब्लू झा के भतीजा लगते हैं और उसी का ये हथियार बताया जाता है। इस प्रकार मुफस्सिल थाना थी मुसरी गराई थाना के द्वारा एक अच्छा काम किया गया और इस क्रम में एक ऑटोमेटिक कार्बाइन पिस्टल गोली फुलथ्रू और मैगजीन भी बरामद किया गया है और इसके साथ ही ओम प्रकाश उर्फ कापर का मोबाइल भी जब्त हुआ है, जिसके आधार पर हम लोग पुलिस अपना आगे का अनुसंधान करेगी। इस अच्छे काम के जो टीम गठित हुई उसमें थाना अध्यक्ष मुसरी घरारी फैजुल अंसारी, कुंवनी सिकंदर कुमार, सहनी रिंकू कुमार, सहनी चित्रलेखा सिन्हा और पीटीसी के वगैरह सिपाही सभी लोग थे। इन लोगों के इस अच्छे काम के लिए, प्रशंसनीय काम के लिए इन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार एक आपराधिक गिरोह का जो अन्यास बरामद हुआ है जिसके कारण क्षेत्र में शांति रहने की संभावना है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।